2024 साल अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप अगर 2024 को पूरी तरीके से जोड़े तो ये नंबर 8 आता है। तो नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट को, यानी कि शनि को। तो जिनकी भी जन्म की तिथि है 17, 26 या 8, उन जातकों के लिए 2026 किस्मत चमकाने वाला हो सकता है। खास तौर पर जिन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ, ताकि आप सहज तरीके से ये पूरे साल का आनंद और फायदा उठा सके। चलिए, जिन लोगों की जन्म तिथि 8, 17 या 26 है उनका मूलांक बनता है नंबर 8, एंड नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट को। साथ ही इन जातकों के लिए धन, सुख संपदा और संपत्ति के लिए भी खास तौर पर ये वर्ष बहुत ही ज्यादा सफलतादायक और फलीभूत होगा। ये कोई भी सपना देखते हैं, अगर सोच रहे हैं और अगर इन्हें पूरा करना चाहते हैं, अपने सफलता की सीढ़ियों को ये अपने मेहनत के द्वारा इस साल अचीव जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शनि उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। ये वर्ष ऐसे जातकों के लिए, नंबर 8 जातकों के लिए ये वर्ष प्रॉफिटेबल साल साबित होगा। इनकी धन संपदा वृद्धि होगी, प्रमोशंस के योग बनते हैं और साथ में इनके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। 2024 अपने बच्चे की उन्नति देखकर, आपके कारोबार की उन्नति देखकर, धन लाभ देखकर और आने वाली सारी बाधाओं को दूर हटते देखकर आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। खास तौर पर इस समय का ध्यान रखना है कि शनि का एक ही उद्देश्य होता है कि कर्म, मेहनत और उसके बाद फल। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो शनि आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे फल नसीब होंगे। इस समय में विदेश यात्रा संभव होती है, प्रमोशंस के योग बन जाते हैं। अगर किसी भी चीज के लिए आपको बाधा मिल रही है तो वो बाधा भी आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है। सबसे बड़ा उपाय ये है कि एवरी सैटरडे किसी भी हनुमान टेम्पल में जाकर एक नारियल अर्पित जरूर करें भगवान हनुमान को। दूसरी चीज है, हर दिन कोशिश करें कि किसी गरीब, किसी नीडी पर्सन का मदद करने का। इस समय आप किसी बच्चे के पढ़ाई का भी दायित्व ले सकते हैं, क्योंकि ये पुण्य का काम है। अगर आपका कहीं भी धन फंस चुका है और निकल नहीं रहा है तो इस समय में खास तौर पर शनि चालीसा या फिर आप शनि भगवान के मंदिर में जाकर अगर आप तेल का दान करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो ये पूरे वर्ष तक के अंदर में आपके जो भी अटके हुए धन है, समस्याएं हैं, वो सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ये साल खास तौर पर शनि के लिए है, तो शनि से जुड़ी हुई जितने भी उपाय होते हैं और जो भी सावधानियां होती है अगर आप मानकर चलेंगे तो आपके जीवन में यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति, व्यापार, इन सारी चीजों में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको नित्य घर के कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। जब भी आप सैटरडे को किसी भी दान पेटी में, ईश्वर की दान पेटी में आप 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जो भी डालते हैं वो हमेशा किसी अच्छे कार्य के लिए ही होता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ कर्म है जिसे आपको जरूर करना चाहिए इस पूरे साल में। आप देखेंगे आपके जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, वो शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी, ढैया या फिर आप शनि का कुप्रभाव अगर अपने जीवन में भोग रहे हैं, तो ये साल पूरा पूरा आनंद उठाइए कि आप जितने अच्छे कार्य करेंगे, जितने उपाय करेंगे, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जो लोग ज्योतिषी, ऑकल्ट या फिर रहस्यमय विद्याओं पर अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सफल होना चाहते हैं, तो ये वर्ष उनके लिए काफी सफलतादायक साबित होगा। और कैसे इस साल को हम अच्छे तरीके से चलाए, तो ये वीडियो में जो भी मैंने बताया है इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 2024 आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।